अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक वेबसाइट शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे पर्सनली लगा कि मुझे पता चला है तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। ये बहुत अफोर्डेबल मेकअप की एक वेबसाइट है, ब्यूटी पीपल करके। मैं इसका अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ शॉपिंग का, और कैसे प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं मुझे और कैसी सर्विस थी। तो आप देखिए मेरे साथ मेरी वीडियो। इस टाइप का हमें एक बॉक्स रिसीव हुआ था, कोरियर सर्विस बहुत अच्छी थी। मैंने 3 दिन पहले ऑर्डर करा था तो मुझे रिसीव हो गया था। मैंने एक आई शेड मंगाई है और 2 लिपस्टिक मंगाई है। तो अब देखते हैं हम मेरा एक्सपीरियंस और कि मंगाया था क्या, आया क्या, ऐसा कुछ धोखा तो नहीं हुआ है या जो भी, क्योंकि थोड़ा सा इंसान होता ही है ऑनलाइन शॉपिंग में, और जब इतनी अच्छी कोई वेबसाइट ना हो तो देखते हैं क्या निकलता है। ये रिसीव तो अच्छा हुआ है और कोरियर सर्विस भी अच्छी थी, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी जिससे प्रोडक्ट टूटे ना, तो सेफ्टी भी थी। अब देखते हैं खोल करके कैसा निकला है मेरा प्रोडक्ट। बट ये बहुत अफोर्डेबल मेकअप है, मतलब बहुत ज़्यादा, लिटरली मुझे इतना सस्ता कहीं दिखा नहीं मेकअप। और जब हम इतना सस्ता लेते हैं तो हमें लगता है कॉपी तो नहीं है, और हमारी ये पता नहीं कैसे पिगमेंट्स होंगे इसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट ये इतना इतना है कि हम इसे देख सकते हैं लेकर ट्रायल बेस के लिए, कि आपके ना ज़्यादा पैसे लगेंगे ना कम। तो ये मैंने आई शेड पैलेट मंगाया है नंबर 1, और ये ब्यूटी पीपल का है। तो देखते हैं कि कैसा निकला है। ये ब्लो आउट करके इसका नाम है आई शेड का, बट ब्रांड जो है ये है ब्यूटी पीपल करके। ये वेबसाइट वालों ने मतलब अपना बनाया होगा, ये मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो अब हम ओपन करेंगे अपनी लिपस्टिक्स। बस मुझे लिपस्टिक में ये अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने इसका बॉक्स नहीं दिया है। ये 2 लिपस्टिक मैंने ऑर्डर करी थी तो ये इनकी शेप तो काफ़ी अच्छी है, लाइक लोकल नहीं लग रही है। आप 75 की कोई लिपस्टिक ऑर्डर कर रहे हो और उसके बाद वो लोकल जैसी नहीं लग रही हैं बिल्कुल। वैसे इसकी MRP 149 थी, बट कुछ ऑफ़र चल रहा था तो अगर आप 2 लिपस्टिक ऑर्डर करते हैं तो वो कुछ समथिंग बैठ रहा था, तो 75 के अप्रॉक्स एक लिपस्टिक की कॉस्ट आई थी। तो ये जो शेड था ये मेरा फेवरेट शेड है 402, और ये सेम शेड मैंने किसी के पास देखा था तो मैंने सोचा यही मंगाती हूँ। तो अब देखते हैं ये कैसा निकला है। ये बिल्कुल पिंकिश टोन में है थोड़ा, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसकी जो खुशबू आ रही है, क्रीमी लिपस्टिक है, मैट नहीं है, और जो इसकी खुशबू आ रही है वो जैसे रसबेरी की खुशबू टाइप है थोड़ी, और क्रीमी है, मैट में क्रीमी। और जो सेकंड लिपस्टिक है ये रेड कलर की मैंने अपनी भाभी के लिए मंगाई है, क्योंकि मेरे भाई की शादी हो रही है अभी, और तो मैंने उनके लिए रेड मंगाई है। अब देखते हैं कितना अच्छा रेड निकलता है, और मैं इसे खोलती हूँ। ये कैमरे में इतना अच्छा रेड नहीं आ रहा है जितना ये है, मुझे अच्छा लगा रेड शेड। और इसकी जो खुशबू है, इसकी कोकोनट टाइप खुशबू है इसकी, ओपन करते ही आ रही है। मतलब लिपस्टिक तो मेरे हिसाब से आप ले सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है मेकअप, मेरे पास काफ़ी लिपस्टिक है। इसका नंबर है 106। ये रेड आ नहीं रहा है इतना प्यारा रेड जितना ये है लिपस्टिक का। मेरे पास काफ़ी लिपस्टिक है, बट ट्रायल के लिए मैंने 2 मंगाई हैं और उसमें मैं खुश हूँ। आप ये कह सकते हैं कि मैं खुश हूँ लिटरली, क्योंकि आपको 75 में कोई लिपस्टिक नहीं मिल सकती, वो भी इतनी अच्छी पैकेजिंग और इतने अच्छे मटेरियल। लाइक है तो 149 ना, बट डिस्काउंट मिल रहा था तो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी इनके लिंक सब चीज़ों के, अगर आपको चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा आप उसमें से बाय कर सकते हैं। बाकी मुझे ये अगर मैं अपने ओपिनियन से बताऊँ तो मुझे लिपस्टिक बहुत अच्छी लगी है, इतने कम रेंज में मुझे ये लिपस्टिक बहुत अच्छी लगी है। और हाँ, बस एक प्रॉब्लम थी कि इनके साथ बॉक्स नहीं आया जैसे नॉर्मली लिपस्टिक्स के कवर के लिए बॉक्स आता है, बाकी पैकेजिंग इतनी अच्छी थी तो कुछ चीज़ टूटी भी नहीं है। अब मैं ओपन करूँगी आई शेड के कैसा निकला है हमारा आई शेड।
तो देख ये 15 शेड है और मैंने इसका पिक करा था 01, क्योंकि इसमें न्यूड भी शेड है, ब्लैक भी है, गोल्डन है और ऑल ओवर इसमें सारे मिक्स्ड कलर्स हैं। और तो ये मुझे देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं स्वेच करके ये कैसा है। और ये गोल्डन शेड भी अच्छा लग रहा है, कैमरे में इतना नहीं आ रहा है, आ नहीं पा रहा है खिल के। और मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पैसे वेस्ट नहीं हुए, क्योंकि डर भी लग रहा था कि पैसे वेस्ट ना हो जाएं, बट इतना कोई अमाउंट नहीं था ज़्यादा कि वेस्ट हो तो मुझे बुरा लगे। बट हाँ, जैसे कि मुझे पसंद है ऑनलाइन शॉपिंग करना, मेकअप्स की चीज़ें लेना, तो ये अच्छा कलेक्शन में रहेगा मेरे। देखिए मैंने सिल्वर लिया है, वाइटिश लिया, कितना अच्छा। इसे मैं हाइलाइटर की तरह यूज़ करूँगी क्योंकि मैं फेयर टोन वाली हूँ, तो ये हाइलाइटर मेरे पे अच्छा जाएगा। तो लिपस्टिक भी अच्छी हैं और आई शेड्स भी अच्छे लगे हैं मुझे, काफ़ी अच्छे लगे हैं। इतनी कम रेंज में मुझे नहीं लगता इससे अच्छी डील हो सकती थी कोई। और देखिए मैं अभी देखती हूँ, एक स्वेच से पता चल रहा है कि बहुत अच्छे आई शेड है, मतलब 15 शेड और समथिंग 200 की रेंज में है ये, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और शेड सारे अच्छे हैं, मैट भी हैं, ग्लिटरी भी है और थोड़ा सॉफ्ट पाउडरी नहीं है कोई भी शीट्स, तो मैं खुश हूँ। अगर आपको ये चीज़ चाहिए होंगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले लीजिएगा, ये समथिंग 200 की तक है, मुझे एक्चुअल रेट तो ही नहीं याद। जैसे मैं सिल्वर वाला देखती हूँ तो काफ़ी अच्छा है, ये सिर्फ मैं एक स्वेच कर रही हूँ, फिर भी मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है मुझे अच्छा लगा ये आई शेड, जबकि कैमरे में इतना नहीं आ पाता है कुछ चीज़ कलर। और इसका गोल्डन बहुत अच्छा है, तो अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर लें। और मैंने सिर्फ ये वीडियो, मेरा वीडियो पर आने का पर्पस यही था कि अगर कुछ अफोर्डेबल मुझे मिल रहा है तो मैं आगे भी शेयर करूं आप लोगों से कि आप भी वो चीज़ें लें, क्योंकि मोस्टली कुछ गर्ल्स सोचती हैं हम अच्छे प्रोडक्ट से करें मेकअप, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो छोड़ देते हैं फिर। तो मुझे अच्छा लगा, मेरे पास इतने काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं बट फिर भी मुझे अच्छा लगा है मेरे कलेक्शन में, मुझे लगता है हाँ रखने लायक है। तो मैं बहुत खुश हूँ सीरियसली आज, और इनकी सर्विस भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। लाइक मैंने 3 दिन पहले ऑर्डर प्लेस करा था और मुझे आज हो गया है रिसीव, जबकि आज संडे है, संडे को भी इनकी कूरियर सर्विस ओपन थी और बिल्कुल सैनिटाइज होके आया था मेरा प्रोडक्ट, तो मुझे उसकी भी टेंशन नहीं थी। तो इनकी सब कुछ बेस्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो लाइक करें प्लीज़, थैंक यू।